अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अज़ीम जिप्सोला आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपके लिए छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूँ और काफ़ी चीज़ें जो हैं आप भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे जो है वो अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं अपने एक घर को चलाने के लिए। कुछ चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि वो बिज़नेस को बिज़नेस नहीं समझते, कारोबार को कारोबार नहीं समझते। हमारे जहनों में एक ड्रामा फिल्मों ने बहुत ज़्यादा घर किया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, कुछ भी चीज़ सर्च कर लीजिए तो आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से मिलेंगे पाकिस्तान में, या तो सॉन्ग्स मिलेंगे, गाने या ड्रामास मिलेंगे जो के झूठ पे मबनी होते हैं, फिल्में मिलेंगी। कभी भी आपको वो चीज़ ट्रेंड पे नहीं मिलेगी जो आपको कुछ सिखा रही हो, वो चीज़ आपको ट्रेंड पे नहीं मिलेगी जो आपको बता रही हो, लाइफ चेंजिंग कह लें, बिजनेस मेकिंग या कह लें कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह फिटनेस रिलेटेड कुछ चीज़ आपके ट्रेंड पे नहीं होगी। और हमारे जहनों में भी कारोबार बिजनेस वही बन चुका है कि बिजनेस कारोबार वही चीज़ है कि हम गए घर से कॉफ़ी का एक सुबह गिलास कप उठाया और गाड़ी की चाबी उठाई और लैपटॉप उठाया और ये क्या जी हम बिजनेस करते हैं। आपके माइंडसेट में बिजनेस कारोबारी इंसान वो बन चुका है, मगर नहीं, ऐसा रियलिटी नहीं है। ऐसा फिल्मों में ड्रामों में ज़रूर है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है बिज़नेस के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा सोने के आदि हैं तो मैं एक कड़वा सच बोलने लगा हूँ, ज़्यादा सोने के आदि हैं, आराम पसंद हैं, या फिर आप ज़्यादा खाने के आदि हैं, ठीक है, ज़्यादा घूमने के आदि हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूँ आप बिज़नेसमैन या कारोबार ना कीजिएगा। आप कभी भी कारोबार करेंगे इस जैसा इंसान, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इस ये वाला इंसान हमेशा कारोबार में नुकसान करेगा, आज भी करेगा, 10 साल बाद भी करेगा। आपको इन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको मेहनत पे यकीन रखना पड़ता है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कोई भी चीज़ हो, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि आप कैसे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, अब क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ बिजनेस बिजनेस होता है, कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा या बड़ा हमारा दिमाग होता है, हमारी सोच होती है कि छोटा या बड़ा क्या होता है। मैं कल एक ऐसे ही गुजर रहा था तो मैंने एक इमली आलू बुखारे की रेडी देखी वहाँ पे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी 4 से 5, मेरे ख्याल 3-4 उसने रखी हुई थी बाल्टियाँ जिसमें पानी रखा हुआ था, गिलास रखे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 7 से 8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अब मैंने वहाँ से गिलास उससे मांगा पानी का, तो उसने पानी इमली आलू बुखारे का गिलास बनाया, तो वो गिलास जो था वो उसने 50 रुपये का दिया। मैंने उससे पूछा कितने गिलास हर रोज़ के बेच लेते हो, तो उसने कहा कि मेरे पास जो है सुबह से लेके शाम तक 50 लीटर होता है और 50 लीटर में तकरीबन जो है हमारा 100 गिलास आराम से निकल आता है। अब खुद सोच लें कि उसमें उसने बर्फ़ भी डाली है, सारा कुछ, इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 हज़ार रुपये, 50 और कहाँ पे 100 गिलास, ठीक है, तो लगा लें हिसाब कितने बनते हैं। तो फिर कल हम जैसे इंसान ने पता क्या कहना है, क्या कहना है कि बिजनेस वो कोई बिजनेस थोड़ी है, वो तो कारोबार थोड़ी है। आप जब मंथली लगाएंगे उसका, जब आप मंथली लगाएंगे तो पता चलेगा 1.5 लाख रुपया बन रहा है, मंथली सेल उसकी 1.5 लाख रुपया, और इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 हज़ार रुपये। तो क्या आप नहीं कर सकते? मुझे पता है आप नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि आपके तो माइंडसेट में वो बिजनेस, वो जो करोला गाड़ी, वो एसी लगा हुआ ऑफिस, 10 नौकर, वो बिजनेस है। ड्रामों वाले देख के बिजनेस है, फिल्मों वाला देख के बिजनेस है। आप इस बिजनेस को तो बिजनेस समझते ही नहीं है। अब देखें, वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए की सेल कर रहा है। 1.5 लाख में अगर बहुत उसका खर्चा, सारा खर्चा ही कर ले, 50,000 रुपए के तो कहीं गए नहीं मंथली, ठीक है? 50,000 रुपए मंथली उसके गए नहीं। आप एमबीए करके, एमबीए करके, पहली बात है मैं गारंटी देता हूं, एमबीए करके आप किसी के पास चले जाए कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस पूछेगा, उसके बाद पूछेगा कि आप क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह आपको 15 से 18 हजार, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देगा, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं देगा। एमबीए करने में आपने वालदेन के कितने लाखों रुपए खर्च किए, कितना टाइम लगाया उस पर एमबीए करने में, कितनी मेहनत लगाई, मगर वो रेडी वाला, वो क्योंकि बिजनेस को जानता है, वो कारोबार को जानता है, वो डिमांड को जानता है कि गर्मियां हैं तो कौन सा कारोबार करना है, सर्दियां हैं तो कौन सा कारोबार करना है, वो सारा कुछ जानता है। वो आपसे ज्यादा, उसने डबल एमबीए किया हुआ है आपसे ज्यादा। जरा दिमाग लड़ाया करें, सोचा करें, कारोबार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कारोबार कारोबार होता है, और कारोबार हमेशा जो है आपकी जिंदगी संवारता है, आपकी नस्लें संवारता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई मुझसे सवाल हो, या मेरे काम को सपोर्ट करना चाहें, या मुझसे कोई सवाल करना चाहे कुछ भी, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। दूसरा ये कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वतन हमारा है और हमें जान से भी प्यारा है, और हमें जो भी करना है इस वतन के लिए करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।